मंत्री चंद्रशेखर यादव जी जिन सवालों को लेकर के खड़ा किया है उस सवालों से मैं तो सहमत हूँ ही, इसमें कहीं दो राय नहीं कि जिन जो उन्होंने कहा है उससे 100% मैं सहमत हूँ व्यक्तिगत तौर पे। और सच भी यही है कि सरकार चलाने का दायित्व कैबिनेट को है, मंत्रियों को है, और इस मामले में जब भी मतभिन्नता होगी तो माननीय मंत्री की ही फैसले को अंतिम माना जाना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए लोगों को। लोकतांत्रिक अगर हम राज चला रहे हैं तब नहीं, अगर लोकतांत्रिक राज्य नहीं है बिहार तो फिर जुदा सवाल है, अपनी मर्जी से जो चलाना चाहें चलाएं। आपको लगता है कि उनका सचिव है के पाठक जिस ढंग से उन्होंने पत्र जारी किया कि जो सेक्रेटरी हैं उनको घुसने नहीं देना, उनके पर्सनल पीए को कार्यालय में नहीं भेजना सही लग रहा? मैंने कहा कि सरकार चलाने की 100% जिम्मेदारी हमारे शासन प्रणाली में माननीय मंत्री को होता है और माननीय मंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय है और इसका समर्थन सभी लोगों को करना चाहिए जब तक वह पद पर हैं। बोल रहे हैं कि जानबूझ के आरजेडी के जो मंत्री कोटे के हैं उन पर नीतीश कुमार ऐसे अधिकारी बैठा देते हैं जो परेशान करते हैं। अब कुल मिलाकर के उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे कौन ठंडा करवा रहा था वो बेहतर उनको अनुभव है, फिर भी वो 15 साल सरकार चलाए मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस विचारों को लेकर के सुशील मोदी जी कह रहे हैं तो उस विचारों के साथ 15 साल सरकार चलाए, तो उनका तो आरोप और प्रत्यारोप को तो हम लोग यही मानते हैं कि वो ईर्ष्या में कहते हैं, उनके कोई बयान का अर्थ नहीं निकलता। जिन चीज़ों से वो खुद सहमत रहे आज वो असहमत हो जाते हैं सत्ता में बाहर जाने से, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी घटती है बढ़ती नहीं है। पर आपको लगता है कि इस मामले में नीतीश कुमार को अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी? निश्चित तौर पे सरकार को अधिकारियों मन बढ़ू अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी में, यह कानून कहता है। अगर इस कानून नहीं लागू हो रहा है बिहार में तो इसको हम लोग अराजकता ही मानेंगे। बिहार में क्या लग रहा है, अफसरशाही बढ़ गई है क्या? बढ़ गई है, ये कोई नई बात हो रही है क्या? लंबे समय से पूरा बिहार पीड़ित है इस बात को लेकर के। सरकार चलाने का दायित्व तो कार्यपालिका के पास है और कार्यपालिका का प्रमुख मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, और मंत्रिपरिषद के फैसले और मंत्रियों के फैसले को चुनौती कोई दे ऐसे अधिकारियों को दंडित नहीं करना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी से। इसके लिए यह बात आप लोग समझाने के लिए है ही मीडिया के लोग, आप जितना चाहें समझा लें उनको। सर मुख्य सचिव जो है वो किस मतलब हैसियत से या किस कानून के तहत जो मंत्री के जो पीए है उनको रोका जा सकता है कार्यालय? उसका एक ही लाइन है ना कि मैंने कहा सरकार चलाने का दायित्व ही होता है मंत्रियों पर और मंत्री का फैसला अंतिम फैसला है, उससे असहमत होने का अधिकार किसी भी अधिकारी को है ही नहीं। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो अनुशासनहीनता माना जाता है और अनुशासनहीनता का दंड बर्खास्तगी होता है, ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे पहले कार्तिक जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया, आपने भी यही लेकर इस्तीफा दिया, अब चंद्रशेखर जी की बारी आई है, क्या लगता है कि ये कोई कोई बारी का विषय नहीं है कि किसका कब बारी आएगा। सवाल है कि कहीं ना कहीं संकट है, इस संकट को सुलझाने का दायित्व सभी लोगों को है, सब लोग को मिल करके सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह के संकट आगे भी पैदा होते रहेंगे और हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। संकट है नहीं, मैंने कहा सरकार चलाने के तरीके को ठीक करना ही होगा, नहीं तो सरकार में इस तरह के संकट आते ही रहेंगे। आप ही मंत्री थे, आपके साथ भी कमों पे सही कंडीशन हुआ, आप ही सचिव अधिकारी के खिलाफ ही। केवल चंद्रशेखर जी क्या, कई मंत्रियों ने कई अवसरों पे बयान दिया, ऐसा तो नहीं है कि चंद्रशेखर जी का पहला मसला हो, इससे पहले कई मंत्रियों ने कई अवसरों पे बयान दिया। किसका नाम, आपके तो डिजिटल लाइब्रेरी, चूँकि अब तो ये चीज़ें हम बोलते हैं ये तो समाप्त हो नहीं जाते, आपके तो डिजिटल लाइब्रेरी में सभी पढ़े हुए हैं, आप सर्च करिए तो पता चलेगा कि कब किसने क्या कहा। क्या लगता है कैबिनेट मंत्री भाजपा वाले जो सरकार चला रहे थे और विधानसभा में रो रहे थे जीवेश मिश्रा,
आप लोगों ने तो उसको कवर भी किया था, हाउस के भी सामने रोया था कि हमारी गाड़ियों को रोक दिया लोगों ने, हमारा कोई महत्व नहीं, लेकिन इस्तीफा तो नहीं दिया था जी एस मिश्रा ने। जो भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार मोदी ये स्मृति जो उनकी स्मृति है विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। तो क्या वही चीज़ आप लोगों के साथ दोहराया जा रहा है? ये मैं कह रहा हूँ कि संकट तो है बिहार में, यह किसी व्यक्ति का नहीं है, संस्थागत समस्या है, और संस्थागत समस्याओं को सुलझाने का दायित्व सरकार में जो वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में नहीं केवल वरिष्ठ नेता, वो सभी लोग को मिलकर बैठ के सुलझाना ही होगा, नहीं तो इस तरह के रोज संकट पैदा होगा और बिहार का विकास पीछे जाएगा। बिहार के लोग हतप्रभ हैं कि अब हमारे पास क्या विकल्प है।